वेलकम टू लर्न विद परी। तो दोस्तों आज ना मेरा जो ये कबोर्ड है, मतलब ये कबोर्ड नहीं एक अलमारी है, इसमें ना पापा अपना सारा वो पेपर्स बुक्स अपना फाइल्स और बाकी सारे वो पापा की चीजें इधर हैं। तो फिर मेरा वो ड्रॉम है जो मैंने अपना बार्बी डॉल सजाई थी बार्बी डॉल हाउस, उसमें मैं कंफर्टेबली खेल नहीं पाई। तो फिर मैंने पापा को पूछा कि पापा मैं क्या ये आपका जो ये आलमारी है इसमें सारी चीज़ें निकाल कर इसमें अपना डॉल हाउस बना सकती हूँ। पापा ने कहा हाँ ठीक है। तो मैं आज अपना डॉल हाउस इधर सारी चीजें निकाल कर अपना डॉल हाउस बनाऊंगी। अरे हम लोग सारा वो चीजें निकाल देंगे, मुझे ये दोनों सेल्स निकालना है और ये वाला कैसा चीज। तो चलो शुरू करते हैं, पहले इधर का शुरू करेंगे। सारी चीजें निकाल दी, लेकिन ये बहुत डस्टी है, तो फिर हम लोग इसको डस्टिंग कर लेंगे, वरना मेरा सारा डॉल्स भी इसमें वो इधर उधर जाएंगे ना, तो फिर वो भी डस्टी हो सकते हैं। उससे पहले मैं तो एक चीज भूल गई थी आपको बताने के लिए, ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने ना चेक कर ली थी कि मेरा डॉल इसमें फिट हो रहा है कि नहीं, खड़ा हो पा रहा है कि नहीं। मैंने देखा कि ये तो फिट ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैंने उस टाइम प्लानिंग किया था कि हम लोग ये सेल्फ को निकाल देंगे। तो फिर मैं इसको, ये ऐसा लूज ही है, तो फिर मैं इसको निकाल देती हूँ। निकाल दिया, हम लोग इसको इधर डाल देते हैं, हम लोग डस्टिंग कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों हमने ये वाला शेल्फ ये इधर का सारा कर लिया है खाली। तो दोस्तों देख लीजिए मेरे जो पापा का जो बुक्स सारा इधर था, तो हमने वो सारा बुक्स को निकाल दिए और मेरी मम्मी और मैंने मिलकर ये सारा सेटिंग्स कर लिए बार्बी डॉल का हाउस और उधर सारा ऊपर। तो फिर चलो मैं आपको सब कुछ एक एक करके बताती हूँ। इधर वो लोग ऐसे, ये गेट मेन गेट है, इधर से वो लोग बाहर जाकर अपना बाहर जाएंगे और इधर उनका बच्चे लोगों का सारा साइकिल सारा वो सब। हाय हाय, मैं हूँ खाना, आपने मुझे पहचाना ना। ये है बार्बी डॉल्स का लिविंग रूम, इधर दो चेयर्स है, तो क्योंकि वो स्टडी टेबल में एक चेयर फिट नहीं हुआ और
सब लोग इधर फिट नहीं हो पाएंगे ना, तो फिर एक फैमिली है तो फिर वो लोग इधर बैठ सकते हैं, और इधर वो टीवी, इधर टीवी में कुछ चल रहा है क्योंकि ये प्रिंस ही जिसका नाम प्रिंसेस जैसा है वो देख रही है कार्टून टीवी। और ये है उनका शू स्टैंड। हाँ थोड़ा सा ऐसे हो गया है क्योंकि बहुत सारे शूज हो गए ना, बहुत सारे लोग हो गए तो फिर थोड़ा सा फिट नहीं हुआ। और ये है वो टी पॉइंट, मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाया था ये टी पॉइंट। और ये सोफा भी, और ये है उनका पेट डॉग, इसका नाम है बोबो। हाँ ये बोल रहा है कि ए, आपने मुझे याद रखा है ना हमारे पुराना घर में। चलिए अब हम लोग अपस्टेयर्स में जाते हैं। तो ये है उनका स्टडी टेबल, हमने वो चेयर को नीचे डाल दिए थे क्योंकि इधर बच्चे लोग पढ़ते हैं तो इधर दो चेयर्स हैं, और इधर उनका सारा बुक्स, वो लोग अभी पढ़ाई करके ऐसे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। और इधर सारा पर्स, बैग्स, वो सब, और इधर एक बास्केट है, इधर एक बैग, और इधर उनका, और इधर उनका अलमीरा। ये है उनका, ये है बच्चे लोगों का स्कूल बैग, और ये है वो बड़े लोगों का स्कूल बैग। एक्चुअली हाना कॉलेज जाती है इसलिए वो ये वाला स्कूल बैग यूज करती है। ओह यहाँ गिर जाता है। इधर हम लोग कैसे रख ले क्योंकि मम्मी पापा हर रोज इधर बैग को बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं। और ये किचन के पास है, और ये है हमारा डस्टबिन, और ये है किचन, ये है हमारा किचन, इधर है डोर। ये बिल्कुल मेरे किचन जैसे है ना फ्रेंड्स। हाँ ये एक्चुअली मेरी मम्मी ने बनाया है, और हमने वो गैस स्टोव, न्यू वाला गैस स्टोव में भी बना लिए। और ये वाला एक्चुअली सिर्फ इतना ही बना था मेरी मम्मी ने, एक दिन जब हमारा एक न्यू ऐसे टॉयज आए थे तब मम्मी ने सोचा अरे बाप रे इतना सारे टॉयज, तो फिर किचन में इतना छोटा किचन में फिर थोड़ी ना होगा, तो फिर मेरी मम्मी ने और भी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत स्पेस बना लिए। ये है उनका सिंक, इधर सारा फ्रूट्स वो सब है, इधर एक क्यूट सा डस्टबिन, और इधर सारा स्पून्स वो सब, इधर प्लेट्स, इधर भी एक प्लेट्स वो चाय वो सब देने के लिए, और ये है इधर सारा स्पून्स है, इधर एक पेप्सी है जो पापा हर रोज पीते रहते हैं, और इधर सारा ग्लासेस वो सब, इधर एक केटल, इधर वो सारा बर्तन वो सब। और दोस्तों इधर वो लोग बर्थडे हर रोज किसी ना किसी का बर्थडे होता है तो फिर उनके लिए सब लोग गिफ्ट्स देते हैं, और इधर थोड़ा सा स्पेस बच गया तो फिर हमने ये सारा ग्लास इधर सारा वो सब डाल दिया। ये है उनका डाइनिंग टेबल, इधर एक ग्रास रख लिए हैं हमने बीच में तो फिर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और दोस्तों ये ना टेबल में जो टेबल क्लॉथ है ये ना समलपुरी क्लॉथ है। अच्छा लोग ऊपर स्टेयर्स जाते हैं, तो दोस्तों इधर बेड है, मम्मी ने बच्चे को खाना दिया और बहुत सारा झाड़ू पोछा कर लिए तो फिर थोड़ा सा थक गए तो फिर थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। हाय ओह मैं तो थक ही गई, थोड़ा सा आराम ले रही हूँ। ओ क्लॉक में कितना बजा, थोड़ा सा और रेस्ट लेती थी। और दोस्तों इधर एक पिक्चर हमने लगाया है, इधर एक पिक्चर, एक्चुअली वो जो राहुल वो छोटा एक बच्चा है बॉय वाला, उसका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर ये है तो फिर हमने उसका एक पिक्चर लगा लिया इधर। और ये है उनका ड्रेसिंग टेबल, और पापा भी ऑफिस गए हैं,
उन्होंने एक चश्मा पहन कर गया है क्योंकि उनके पास दो दो चश्मे हैं, तो फिर एक चश्मा इधर रख कर गए। और ये है उनका कॉम, ये है उनका ड्रेसिंग टेबल, हाय। और ये है ड्रॉस, और ये है उनका कबोर्ड, इधर उनका सारा ड्रेसेस है, साड़ी, सारा ड्रेस, पैंट, वो सब पैंट टॉप। और इधर एक प्लांट है सोपीस के लिए ताकि अच्छा लगे। और इधर उनका बाथरूम आ गया, इधर उनका वो बेसिंग, इधर वो लोग ब्रश व्रश करते हैं, और इधर वो लोग नहाते हैं, इधर एक टॉवल है, सोप, वो सब है उनका बाथरूम है। और ऊपर ना एक गार्डन है जिधर ना सारे बच्चे लोग साइकिलिंग वो सारे खेलने, थोड़ा सा सनराइज देखने के लिए, वो सारा करने के लिए ऊपर गार्डन। तो दोस्तों ये है उनका रूफटॉप जिधर सारे बच्चे लोग ऊपर आकर खेलते हैं शाम को, साइकिलिंग, स्केटिंग, वो सब करते रहते हैं, और सारा सनराइज, सनसेट, वो सब भी इधर एंजॉय करते हैं। मम्मी पापा वो सब लोग भी इधर आकर चाय वो सब पीते हैं और थोड़ा सा ठंडी हवा लेते हैं। और इधर हम ये रूफटॉप है तो फिर हमने हमारा सारा प्लांट्स का बहुत बस छोटू छोटू लीव्स ले लिया और इधर हमने ऐसे कर लिया। तो दोस्तों आपको ये पूरा घर में से कौन सा रूम ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स आपको ये जो पापा का जो आलमारी था उसको बॉबी डॉल हाउस में बदलने का आइडिया कैसे लगा, अच्छा लगा ना? हाँ। और दोस्तों आपको ये तो याद है ना कि हम लोग कैसे कमेंट करते हैं? हाँ, मेरा कमेंट ऑफ है तो आप वो जो कम्युनिटी टैब होता है उसमें क्लिक करने से आप कमेंट मुझे कर सकते हो। और दोस्तों मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज भी किया है और बहुत सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने मनाया भी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए जो मैंने परचेज किया है तो मैं ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको क्लिक करके परचेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, बाय फ्रेंड्स। खेलने का मन हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं ना बहुत जल्दी ये डॉल हाउस में खेलूंगी और ना इसको यूट्यूब में पब्लिश करूंगी तो आप देख सकते हो उसका स्टोरी। ओह, मैं अभी से ही शुरू करने वाली हूँ ये वीडियो खत्म होने के बाद। ओके बाय फ्रेंड्स, चलो न्यू वीडियो शुरू करते हैं, बाय। हाय टेंशन ना।